अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लंगे वेले के साथ आपका मेज़बान अज़लान संजीदा हाज़िर है, बल्कि अज़लान संजीदा पाकिस्तानी। अभी कुछ देर पहले हमने इस प्रोग्राम के एजेंडे को डिस्कस किया और हमने फैसला किया कि हम हर चीज़ के साथ पाकिस्तानी लगाएंगे। इसकी तुक क्या बनती है ये अब हमारे जो मेहमान हैं ये साबित करेंगे। हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत शामिल है, मौजूद हैं, इनका नाम है आमिर कन्फ्यूज पाकिस्तानी। इसी के साथ साथ हमने दानिश इल्म दानिश के मोती बखेरने के लिए मदू किया है जनाब राशिद दानिशवर पाकिस्तानी को। इसी के और हमारे साथ प्रोग्राम्स में ज्यादातर ये होता है कि आम बंदे की आवाज़ को जो शामिल नहीं किया जाता, तो हमने कोशिश की थी कि हम आम बंदे का भी एक रिप्रेजेंटेटिव लेके आए, तो हम एक आम बंदे का रिप्रेजेंटेटिव भी लेके आए हैं। भैया जाग जाए, इलेक्शन हो चुका है, आप भी जाग जाए। ये है अली हथौड़ा पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तानी अवाम आम बंदे की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो के भी नवाज लीग को वोट देता है, जो कि बर्गर नहीं। और उसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बर्गर नहीं। ये जो है ये किसी सियासी जमात की जो है वो छुपी नहीं है, किसी सियासी वाबस्तगी को जाहिर नहीं करता, मेरे नाम का मतलब है, इसलिए मैंने ये लैपटॉप स्पीकर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अपने मेहमानों से उनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन के बाद के पाकिस्तान को वो किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे दानिशवर साहब से। जी दानिशवर साहब जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद दानिशवर पाकिस्तानी, और मैं खेलों के अलावा सियासत पर भी गहरी नज़र रखता हूँ, और आजकल बड़ी इलेक्शन की गहमा गहमी थी वो और अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हो गए हैं। अब नई गवर्नमेंट आई है, देखें क्या गुल खिलाती है। अल्लाह करे कि नवाज शरीफ 97 वाले नवाज शरीफ ना हो, वो कोई नया करके दिखाएं पाकिस्तान को आगे लेके, कोई नया मॉडल बन के, कोई नया मॉडल 97 का मॉडल साबित ना हो, 2013 का मॉडल साबित हो, कितने हजार सीसी साबित होना चाहिए उनके? मुशर्रफ के अगेंस्ट चला था पिछले को, दूर चले कितने चले गए थे, बहुत दूर दौड़ा था मुशर्रफ साहब आगे दौड़ गए। इससे मुझे एक बात याद आई, एक बंदे से पूछा गया कि भाई ये कितना पढ़े हुए, उसने कहा भाई ये इथों लेके गुजरा वाले तक, तो उसे पूछा कि क्या मतलब, कहना इथों लेके गुजरा वाले तक जिन्हें हकीम आते इश्तिहार लगे ने सारे पढ़ छटे में, तो आप जनरल के अगेंस्ट चले, मैं जनरल बात करूँ। हाँ भाई जान, फिर मैं पीपल्स पार्टी के साथ चला। अच्छा, मैंने कहा कोई इंकलाब लेके आएंगे। अच्छा, पर पीपल्स पार्टी वाले कोई इंकलाब नहीं लाए। अच्छा, आप फिर पीपल्स पार्टी के साथ रहे, कुछ नहीं बना आपका? पीपल्स पार्टी के साथ मेरा कुछ नहीं बना। फिर आप वकीलों के साथ लॉन्ग मार्च पे निकले गुजरात से, पहले टायर से बात निकल गई थी नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब के क्या आपके? नहीं, नवाज शरीफ साहब के ना, नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, हम भी फिर उनके पीछे पीछे वापस आ गए। भाई जान उससे आ गए हम लोग, मैंने कहा जनाब पीटीआई मैंने जनाब उनके जलसे अटेंड करने शुरू कर दिए, और मैं जलसे दसो जलसिया की पूरी करने जाते वोट तुम पाया कोई नहीं इतला मिलती है कि वो डाल गया है। अल्लाह खुश रखे जनाब उनको, ये आपको होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ उसके बाद जनाब हमें ताहिरुल कादरी साहब के पीछे भाग गए हम लोग, हमने उनके लॉन्ग मार्च का हिस्सा भी बने, वो एंड में सर्दी खा के वापस आ गए, कोई नहीं निमोनिया हो गया, दो हफ्ते तो इतना आपने सफर किया है। एक मिनट, बहसियत अवामी आवाज आ रही है, अवाम की आवाज आ रही है, बहसियत अवाम मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा जी, थोड़ा कि आपने इतने जलसे अटेंड किए हैं, आपको ज्यादा किस जलसे में मजा आया? पीटीआई वो कैसे भजन आंखों की ठंडक
पूरे मेहदी हसन से लेके जनाब आपके आतिफ असलम तक सारे। आप लोगों ने देखा क्या असेंबली का पहला इजलास हुआ है, तो आप लोगों ने वो इजलास का देखा या टीवी पे उसकी खबरें छबरें देखी? भाई जान बहुत बिजी था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आप अपनी नई किताब पे भी काम कर रहे हैं ना? हाँ जी, तो टाइम नहीं मिला। हिटलर के दौर में पाकिस्तानी अदब पे आप काम कर रहे हैं? आपने नहीं देखा इजलास? नहीं देखा आपने, तो बड़ी कुछ चीज मिस कर दी है। ओए होए 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 भाई जान, जो चीज मिस की है ना, ओए आप भी वही सोच रहे थे मैं सोच रहा हूँ। जी भाई जान, वो जो चार नई बिजनी आई है करवा रही है अभी मेरी तरह उनके नाम अभी तक पता नहीं है, ये भी हम बैठने हैं लिस्ट में निकाल के, हफ्ता नहीं लगेगा, रिजर्व सीटों के नाम से हम करेंगे सर, फिर मिल जाएगा। बड़े बड़े स्टॉकर हमारे शागिर्द होते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको? दानिश्वर साहब आपके सामने ये बेहूदगी की बातें कर रहे हैं, आप किस तरह के पाकिस्तानी हैं कि आप इसके ऊपर कोई अपने कलमात का? मैं तो इनसे लेकिन ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, इस पे फतवा होना चाहिए, ऐसे लोगों पे टीवी बैन होना चाहिए। क्या बैन? नहीं तो अब बात सुने, अगर हम ये चीजें भी नहीं देखेंगे तो इजलास में अट्रैक्शन क्या रह जाएगी? अट्रैक्शन आप नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ की देखिए, बाल को देखें, नवाज शरीफ की तरह को देख लें यार, उनको मेरे पैदा होने से 7 साल पहले से लोग देखते हैं। भाई जान अब वो देखिए ना, नहीं आप जो नाम ले रहे हैं ना, मैं समझ सकता हूँ आपका ताल्लुक जिस सूबे से है ना, वहाँ पे ये फ्लेवर चलते हैं। दानिश्वर साहब नहीं, असम में काफी अरसा मैं रहा हूँ, फिर मैंने अपने 22 साल कीमती 22 साल गुजारे हैं और मुझे फखर है, काफी अरसे से मैं यहाँ भी हूँ। आपको किस चीज़ पर फखर है? आपको इस चीज़ पर फखर है कि उसामा आपके इलाके से पकड़ा गया? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे दानिश्वर हैं। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे कुछ देर में, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप जो इतनी बातें कर रहे हैं कि ये हम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर लोगों ने संजीदा चीजें देखनी है तो हम चार चमलों को क्यों देखेंगे? वो जाके तलब सेंटर प्रोग्राम देख लें, बिल्कुल ठीक है, वो जाके देखें, वो क्या उसका नाम है, एयरवेब जो प्रोग्राम करता है बेचारा, इतनी अच्छी बातें करता है, उसको सुनता कोई नहीं है, नाम आमिर गौरी, उसी तरह मुबर्शर लुकमान के भी कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि वो अच्छा बनूं, कभी कभी अभी हम इस कभी कभी को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा वक्फा। यार प्रोग्राम हो रहा है, मैं फोन करी बैठे जी, फिर और बैठे, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। नाजरी ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी जो कि खत्म हुई थी लफ्ज कभी कभी के ऊपर, वहाँ पर मैं सबसे पहले तुम्हें अवाम से सवाल करना चाहूँगा कि हमारी जो मॉरेलिटी है वो इतनी सिलेक्टिव क्यों है कि वो कभी कभी जागती है? पहले मैं थोड़ा गल दसां, ना मैनू मोरैलिटी का पता है, कोशिश करेंगे आप उर्दू बोले, ना मुझे मोरैलिटी का पता है, ना मुझे ये सिलेक्टिव अपने वर्ड्स यूज किए, अपने अल्फाज यूज किए हैं, आप जरा आप इंतखाबी किस्म की हमारी जो है वो इखलाकियात वो क्यों है, वो कभी कभी क्यों जाती है? अली भाई सर, आप जो है ना ज्यादा गाजरों पे जोर दें, मटरों पे जोर दें, टिप्पर वगैरह ये चीजें सब्जियां ज्यादा खाएं, ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह आपको ये जो लफ्ज़ इसने यूज किए हैं आप अपने इंशाल्लाह आपको वो आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। अम्मी जी आ रहे हैं, हद होती है अटेंशन सीकिंग की, खुदा की कसम है वो आ जाएगा घर में, आप लोगों को अलग केसर दे दूंगा VHS, आप VCR में जो गाँव में भी जावे नहीं ना DVD। अच्छा अच्छा, मैं तो यू भी किया था, तस्वीर के अंदर पीछे यू किया था या यू किया था, अब मैं बताना चाहूंगा नाजी, अक्सर हम मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज है कि हमारे अक्सर जलसों में जो है बच्चे बड़े जज्बाती यू शुरू कर देते हैं, तो यू नहीं होता, ये गाली होती है, इट इज एज ऑफेंसिव एज शो योर मिडिल फिंगर,
ये होता है विक्ट्री का साइन। तो आपसे गुजारिश है कि आइंदा आप यूं करने की बजाय ना यूं कीजिएगा। नहीं, मेरा मेरा कहने का ये है कि यूं भी क्यों करना है, आपने अंदर क्यों आना है, यहाँ तो ना अपने अंदर आप एक चैप्टर बनाओ। सर जी, हर बंदे के अंदर एक चर्चल होता है, ठीक है, जो जो ब्रिटेन की ये वाली गाली को यूं करके दुनिया को दिखाना है। चर्चल होता है, आप अपने करैक्टर तो बनो ना भाई, अगर आप कोई करैक्टर बनते हो फिर आप आगे आओ। आप अभी अवाम के हक में हैं या अवाम के अगेंस्ट हैं, आप किस कौन सी अवाम पर? मैं कभी कभी के हक में। हाँ, कभी कभी के हक में। हाँ, तो कभी कभी के मौजू पे मैंने सुना है कि आपने अगर छोटी मोटी तकरीर तो भी लिखी हुई है, तो आप वो थोड़ा सा मेरे खुलासा दें हमें, कोई यहाँ पे भुने आप भी चले। कभी कभी जो सा ना बड़ा एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको रिलेट करते हैं पाकिस्तानी मेंटालिटी के साथ। अभी मेरे अंदर जो इंसान है ना, वो एक पाकिस्तानी माशरे का इंसान है, लेकिन अब वो बहुत एक संजीदा गुफ्तगू कर रहा है। वो गुफ्तगू ये है कि कभी कभी का जो कंसेप्ट है वो बहुत रिलेट करता है हमारी एक सिलेक्टिव सी, जिस तरह आपने कहा एक मेमोरी के साथ। अभी तो आपने कहा मतलब अभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी कभी हम हर चीज को कभी कभी में डालते हैं, हर चीज को कभी कभी के सांचे में डालते हैं, कभी कंफ्यूज लगते हैं, कभी दानिश्वर लगते हैं, कभी संजीदा लगते हैं, कभी हथौड़ा लगता है। तो जब ये कभी कभी हमारे माशरे से गायब नहीं होगा, हम लोग जो हम कभी कभी का माशरा सोचते हैं वो कभी कभी का कभी माशरा नहीं बनेगा। आपको डिग्री मिलने वाली है, आप बताएंगे कि इन्होंने भी कंफ्यूजन फैलाई है कभी कभी, मुझे कुछ समझ नहीं है, मेरे ऊपर से ऐसे गुजरी है जैसे रायनर का जहाज गुजरता है। तो आप इस पे थोड़ा रोशनी डाल लें कि ये कभी कभी की इन्होंने बात की, आपको पहले पढ़ी है कभी कभी पे आपने जो है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके क्या तासुरात हैं जो कभी कभी मेरी समझ में नहीं है, इनकी समझ में नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूँ इनकी अपनी समझ में नहीं है, आपको और कुछ समझ आई होगा। भाई क्या तो समझ नहीं है भाई, मैं नो एनी सी ब्लेम कर रहे हो, मैं तो मैं थोड़ा सा देता है, मैं तो शेर ही बोल रहा है, मैं कभी कभी ना बनता तेरे प्यार में कभी था। ये तो आपने बड़ी चमन मारी, आप लग रहा है कि आप तो नहीं, उसको आप छोड़े, इनको आप छोड़े नहीं है इस तरह की, आप दानिश्वर है, आप बताएं कि कभी कभी की जो का जो फलसफा है इनका, उसको आप कितना को सब्सक्राइब करते हैं, आप क्या समझ में आया, अगर आया तो मैं भी समझा आपने जो कभी कभी की बात जिस बंदे ने भी स्टार्ट किया, मुझे समझ नहीं आ रही किस चमन ने स्टार्ट किया। एक मिनट नाजरीन, एक मिनट, आप लोग ये नहीं सोचते कि आवाम ने आपको सारों को तो देखें कि कभी कभी भी कितना डिस्कस हो रहा है, ये नाजरीन ये हमारा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे से लोग पिटते रहते हैं कि मीडिया नॉन इश्यूज पे बात करता है, वो बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही करता है, आवाम चाहती नॉन इश्यूज आवाम चाहती है कि हमारी इस तरह की चीजों की आवाम चाहती है कि पेट खाली हो, दिमाग तालीम से फारग हो, बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, मुझे आप ये बताएं कि मुल्क में बिजली है नहीं, खजाना हमारा खाली है, तो हमारी जो बुलेट ट्रेन होगी प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय IMF होगी। भाई मुझे नहीं पता कि IMF स्पॉन्सर्ड हो या जिससे मर्जी स्पॉन्सर्ड हो, मुझे ये चाहिए कि ठंडी कार ट्रेन हो यार, अवाम उसके अंदर होगी और पहले महीने टिकट भी नहीं होगी, क्या वो थोक पे चलेगी आपके पास अपनी आईपीएस, तो आज पेट्रोल नहीं है, नहीं थोक लाजमी कहना था, पानी कह सकते थे आप, एक मिनट और पानी का भी तो मसला है, कल को हम लोग कहते हैं कालाबाग डैम बनाना, सबसे ज्यादा स्यापा आपके सूबे ने डालना, फिर इनके सूबे ने डालना कालाबाग डैम पे। आपको मेरा ख्याल में हिस्ट्री का नहीं पता, कालाबाग डैम पे जो स्यापा डाला है वो ANP का, सिर्फ वो और किसी का भी नहीं है, नहीं तो वो कहते हैं कि नुशहरा डूब जाएगा, नुशहरा नहीं डूबेगा, ANP को वोट कौन देता है? आवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को कोई कंसर्न नहीं है आपकी ये बातों से, मुझे ये बताएं कि बिजली कब आएगी, बुलेट ट्रेन कब आएगी, बस
मैं इसका जवाब दे नहीं सकता। आप कभी कराची गए हो भाई? बुलेट कराची में चलती है, आप एक माड़ी मोटी ट्रेन भी चला देंगे साथ में, ट्रेन सही बात। उस दिन यूट्यूब पे भी आया अल्ताफ भाई इसकी बोरी फारूक सत्तार साहब एक आध बोरी जो है थोड़ा मोटा है, आज इतना नहीं है, होगी कोई 5 फुट 7 इंच और थोड़ा फैट है, तो बड़ा मेरे को मसला है कि मैं जब आप नाज़रीन देख रहे हैं कि अब मुझे बड़ा मेरे को तो पता है कि जब मैंने कराची जाना है मेरे को इसकी तो बोरी का सोचा भी नहीं है नाज़रीन, बड़ा मेरे को पता है और अब आप दोबारा पागल हो गई है, मैं कराची जाऊंगा।